सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं अपना वही वादियाँ, देखो कैसी कैसी मस्त मस्त एकदम। और आज हम जा रहे हैं अपना धर्मशाला की ट्रिप बना रहे हैं छोटी सी, और 220 पे जाएंगे अपना। पंकु भाई हमारे साथ हैं, ये मेरे भाई, और अभी हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में यहीं से ही, और पूरा रोड ट्रिप दिखाएंगे। अब ये वाली पूरी रोड ट्रिप होने वाली है, और बस अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ले दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए ये देखो क्या लोकेशन है। तो यहाँ पे बहुत बंदे आते हैं इस लोकेशन को देखने के लिए, यहाँ से बैठ के आराम से यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करते हैं, पूरे को नज़ारे को लेते हैं ये देखो। तो गाइज अब चलते हैं हम। बाइक पे और धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं, मजा आएगा फुल। अभी तो चल रहे हैं, अभी रास्ता बहुत दूर, क्या मतलब यहाँ से है, क्या बोलते हैं, कितने बाइक का, कितनी देर का भाई होगा, कम से कम 25 किलोमीटर। तो कितनी देर लगेगी हमें ये तो बताओ। मैं पहुँचाने में तो आधा घंटे में पहुँचा दूँ। नहीं वैसा नहीं पहुँचाना ना, वैसा तो फिर मतलब वही है ना, पहुँचाने के लिए तो 15-20 मिनट में पहुँचा दूँ, बट आराम से जाएंगे 1 घंटा लगा के पूरा आराम से स्टॉप लेके, और आपको व्यू दिखाते हुए मैं सब कुछ देखूंगा यार, मज़ा आता है यार। जब मैं अपनी जगह पहुंच जाते हो ना तो अलग ही फील आती है, और कुछ नहीं भाई। देखो यहाँ पे हम नहाते हैं, ये लोग नहाते हैं मेरे ऊपर उस साइड नहाते हैं। ओए होए मतलब जगह देखो यार, आप देखो कितनी मस्त मस्त जगह है मतलब। ओए होए, अभी हम जाएंगे यहाँ से ये ऊपर कोई पहाड़ी इलाका फुल। भाई बारिश लग पड़ी, ये देखो बारिश कौन से टाइम की लग रही है और कैसे लग रही है ये समझ नहीं आ रहा। साथ में बारिश है, धूप, ये देखो धूप, और साथ में ये नीचे देखो बूंदे, बारिश कुछ भी हो रहा है। कैसा सफर है अभी तक? तो आरामदायक, आराम से चलाना भाई, मेरे को डर लगता है। ना भाई मैं 20 से ऊपर जा नहीं रहा। मजा आएगा भाई फुल मजा। यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे पुल बहुत होते हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं खड्डा इंजन, जहाँ पे मतलब बंदे नहाते रहते हैं। खड्डा नाड़ू आइए भाई, खड्डे नाड़ू नाड़ू आइए नाड़ू नाड़ू नाड़ू। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, देख रहे हो भाई शमशान, भूत मांगे पड़ जाएंगे भाई। ये देखो एक और पुल ही आ गई, मतलब एक और पुल आ गया, सॉरी वहाँ पे पहुँचने वाले था, क्या बोलते हैं, सुरंग। अरे यार हमारे हिमाचल सुरंगा बुझने आ रहे ना, हाँ जितनी सही गल है, जय हिमाचलियों कितने समझाई आ रही है। हाँ थोड़ा ही रास्ता रहना है, जंगल जंगल दिखाना है, व्यू व्यू कर रहा है यार, मजा आ रहा है। ऐसा हमारी गाड़ी में होती है, जहाँ पे भी जाते हैं हम गाड़ी में जाते हैं, आज बाइक पे निकले हैं तो अच्छा लगता है। तो सेल होती है, यहीं होती है। अच्छा पीछे से गाड़ी लेके आती है, ये देखो हम पहुँच गए उस जगह, मजा आ रहा है। ऊपर से पानी गिर गया मेरे पे, मजा आ जाता है। दो बार निकल चुके हैं यहाँ से, आपको दिखाया होगा पिछले ब्लॉग में जो हम पहाड़ी कुल्फी खाने गए थे वहाँ, तब भी मैं इससे निकला था। और ये देखो बोट वगैरह पीछे बहुत दूर है। अरे यार कांगड़ा का किला, कांगड़ा पोर्ट हो रहा, जहाँ पे वो वाला गाना बना है, कौन सा हमारा, तितलियाँ वाला, यार मेरा तितली वर्गा, वो वाला गाना बना है यहाँ पे अपना कांगड़ा पोर्ट, उधर लहरा रही थी वो ऐसे यार मेरा तितलियाँ वर्गा।
गाइस तुमने ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मैंने कितने फूल क्रॉस किए, ठीक है ना? चीटिंग करता है तू, मतलब गिन के बता देना यार कितने, कमेंट जरूर करना गिन के, ठीक है ना? अभी और आएंगे और गिन के बताना कितने। हिमाचल रोडवेज मस्त है। अभी आगे कांगड़ा माता का मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। और मतलब नहीं, मतलब अभी नहीं दिखाऊं, अभी दिखाऊंगा ना वो तो, ये रोड पूरा रूल फॉलो कर रखा है हमने, दोनों हेलमेट पहन रखे हैं हमने, ऐसी बात सारे दो हेलमेट लगा के अब यहाँ पे कांगड़ा पर रूल हो गया कि दो हेलमेट होने चाहिए दोनों के पास, पीछे वाले के पास भी आगे वाले के पास। और देखो आपके ठुल्ले खड़े हैं यहाँ पुलिस वाले अंकल, और ये कांगड़ा माता के लिए एंट्री है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री नहीं, यहाँ से जाना है कांगड़ा जो है बस स्टैंड के पास पहुँच गया। ये रहा कांगड़ा का बस स्टैंड, और यहाँ से जो है अपना दिल्ली विल्ली जहाँ के लिए भी, दिल्ली मुंबई गुजरात जहाँ के लिए भी बसें नहीं गुजरात वगैरह है, दिल्ली के लिए मिल जाएगी यहाँ से बसें, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़। तो ये रहा बस स्टैंड, 18 किलोमीटर बढ़िया। और मंडी जाना है, पालमपुर जाना है, चवंडा जाना है, जहाँ जाना है जाओ। A few moments later. ये तो गलती हो गया मेरे साथ, मेरे को भाई मेरे को ठीक करना, मेरे साथ पकड़ लो, साइड पकड़ लो, पहले उल्टा लगा रखा है क्यों, हेलमेट ही उल्टा लगा रखा था मैंने, मेरे को तो ये बंदे ने बोला, एक बंदे ने कि हेलमेट उल्टा लगा रखा भाई तुमने, ऐसे धर्मशाला पहुंचा देता इसको मैं, इतनी एक्साइटमेंट क्यों है मेरे, सेफ्टी मस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्क लेने चाहिए और हेलमेट जरूर होना चाहिए कभी भी रोड ट्रिप पे जाओ तो, और खासकर बाइक पे। भाई कितने फूल लाएंगे भाई ने, भाई कसम से यार रुला दिया मेरे को, इतनी स्लो चल रहे हैं ना, ये देखो स्पीड देखो आप, स्पीड कितनी है, इतनी स्पीड पे चल रहे हैं और ऐसे राइडर बनते हैं भाई, मेरे को रुला दिया, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं देखो, फोन लगा रखा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या हो क्या कर सकते हैं भाई, मैं चला लूं नहीं, एंसर जय हिंद। भाई भाई को फिर से फोन आ गया, देखो हेलो हेलो कर रहे हैं, इतने तो भाई कंपनी वालों के फोन नहीं आते जितने आपको आ रहे हैं भाई, भाई एक और फूल आ गया, ये देखो कमेंट में बताना कितने फूल आया है, ये देखो पानी यहाँ पे बहुत हादसे हुए हैं, 11, 12 बंदे एक साथ जाओ बाय बाय हो जाती है उनकी, बाय बाय यार भाई, थोड़ी सी तो तेज चला लो, देखना अभी भी कितनी भी चला रहे, रुको जरा गाइस, अभी हमें भैया दिखाएंगे कि जो यहाँ पे बाढ़ आई थी तो क्या नुकसान, ओए होए ये देखो ये नुकसान हुआ था जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, घर थे ये जो घूम रहा ना, जोर से बोलो, ये जो घूम रहा है ना बंदा, हाँ यहाँ तक गया घर, वो निकल गया, और जिस दिन मैं देख रहा था वहाँ, वो आगे देख रहा वो, हाँ वहाँ से स्कूटर निकाला जा रहे थे, ओए होए यहाँ पे उस दिन जब बोला था ना धर्मशाला में बाढ़ आई है तो यहाँ पे आई थी, रोड पूरा जो फ्लड हुआ था यहाँ से ऐसे ऐसे, ये देखो रोड पूरा गया हुआ है यहाँ से पूरा, यहाँ पे दो तीन जो घर थे वो भी गए हुए हैं, पूरा
अब बेचारे वो फिर से लगे हुए हैं काम पे। वो जो बेचारे ऐसे रहते हैं बाहर वो भी वो देखो वहाँ वहाँ से पूरे एकदम फ्लड आया था पूरा। ये कुदरत है भाई, कुदरत सब कुछ होती है। हेलो भैया, वेलकम करते हुए यहाँ पे ये देखो। सो गाइस अभी हमें यहाँ पे काम है, यहाँ पे अपना डीसी ऑफिस के पास। तो अभी भाई को कुछ काम है और मेरे को भी काम है, तो अभी हम यहाँ पे काम करवा के फिर वापस जाएंगे। यही काम कराने आए थे, ऐसे नहीं घूमने आए हम बेमतलब में। सो गाइस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और हमें अभी रास्ते में हमारे भाई मिल गए। ये देखो हमारे साथ चल रहे हैं और हेलो कर दो भाई। हाँ, और ये साथ में जाएंगे अभी हमारे साथ घर तक ही। तो अभी चल रहे हैं ये भी साथ में फोर से। भाई जी वीडियो शेयर करोगे ना? यो बैन, यो यो करोगे ना? ओके आप भी कर दोगे वीडियो शेयर कर दे अगर आप, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे लाइक करोगे और कमेंट करोगे ना तो क्या होगा पैसा ही पैसा होगा। यहाँ से जाते हुए पता नहीं कहाँ मतलब जाते जाते घर जा रहे थे और अभी पानी पियेंगे। यहाँ पे बहुत बार हमने पानी पी हुआ है, आपको पता है, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। पियो भाई। तो अभी हमने पानी पी लिया, अब हम चल रहे हैं आगे कुछ और खा पीते हैं, गोलगप्पे खाएंगे। चलो लेट्स गो बाय। मतलब यार मजा आया, आज भी मजा आया, भाई आया ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। इस पानी को मतलब ना ठंडा ठंडा एकदम लगता है ना, मुझे मजा आ जाता है, कुछ भी हो रहा मजा आता है। हेलमेट वाला स्कैम मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है यार, उल्टा हेलमेट पहना हुआ है यार मैंने, आधे रास्ते उल्टा पहन के जाया हूँ मैं, क्या करें। चलो मिलते हैं अभी, अभी आगे गोलगप्पे वाला है उसके पास रुकेंगे, फिर वहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे, फिर सीधा घर। थक गया क्योंकि धूप हो रही है थोड़ा थोड़ा। भाई हैवी ड्राइवर आने वाले, मेरे को डर लग रहा है पीछे बैठने के लिए, फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठूंगा पीछे, डरते हुए बैठूंगा, डरते हुए पीछे। आराम से चलाऊंगा कोई तो। बाकी छोड़ बातें मेरी शक्ल है। हाँ हाँ आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है।
भाई, मिलते हैं। सही चला रहे बाकी यार। इसकी ड्राइविंग बड़ी गंदी है भाई, भूल के भी कभी बाइक मत देना इसको। इतना बाइक की आवाज चेंज कर दी आज मेरी। देखो भाई ये देखो, इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं अभी। और अभी हम बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, अब मैं नहीं बना पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो वीडियो को नहीं, ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। एक बार आप भी बोल दो ये भाई, कर दो यार। करो ना भाई, मेहनत तो लगती है हर एक चीज में लगती है। तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय 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 बाय।